हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर। सो गाइस, यहां पे आलोक इंडस्ट्री का क्वार्टर वन का रिजल्ट यहां पे क्या निकल के आ चुका है। रिजल्ट के दौरान खाली रिजल्ट का डिक्लेरेशन किया गया, बाकी किसी भी चीज का यहां पे क्या अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। रिजल्ट्स पे ध्यान देंगे। सो पेज नंबर डायरेक्टली आपको क्या है 9 पे जाना है। सो पेज नंबर 9 पे इफ अगर आप जाओगे, सो वहां पे इसके नंबर्स क्या दिए हैं, जो कि हमारा कंसोलिडेटेड रिजल्ट होता है, जो कि हम यहाँ पे चेकआउट करते हैं। नंबर्स भी यहाँ पे देखोगे सो क्रोर्स में ही दिए हैं, सो हम क्रोर्स में इसको काउंट करेंगे। ओके, कंपनी के नंबर्स अगर आप देखते हो, सो कंपनी ने यहाँ पे 2024 के जून के क्वार्टर में, ये क्वार्टर में कंपनी ने कितना 1600 के आसपास क्या रेवेन्यू जनरेट किया, जो कि पिछले क्वार्टर में 1469 करोड़ के आसपास किया था। इट मीन्स क्या, पिछले क्वार्टर से अगर आप कंपेयर करोगे कंपनी के रेवेन्यू, सो लगभग क्या 463 करोड़ के आसपास कंपनी का रेवेन्यू क्या गिरता देखने में मिलेगा। वही अगर आप 23 के जून का क्वार्टर देखते हो, अभी क्वार्टर अगर आप देखोगे, सो नंबर्स के डिफरेंसेस आपको डायरेक्टली यहीं पर दिख रहे हैं। बिकॉज जून का क्वार्टर अगर आप देखोगे ना 2023 का, सो 1440 करोड़ के आसपास कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया था, जो कि कंपेयर अगर करोगे ना, सो लगभग हमको यहाँ पे क्या 408 करोड़ के आसपास कंपनी का रेवेन्यू क्या है गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं कंपनी के एक्सपेंस की। कंपनी का एक्सपेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि करंट क्वार्टर में कंपनी ने कितना 1218 करोड़ के आसपास एक्सपेंस किया, पिछले क्वार्टर में 1696 करोड़ के आसपास एक्सपेंस किया था। इफ अगर कंपनी के एक्सपेंसेस भी कंपेयर करोगे ना, सो लगभग कितना 478 करोड़ के आसपास कंपनी का जो एक्सपेंस है ना, हमको यहाँ पे कम देखने को मिल रहा है। वही अगर आप देखने को जाओ कि जून का क्वार्टर 2023 का, सो यहाँ पे कितना 1646 है, एंड यहाँ पे क्या 1218 है। इट मीन्स का यहाँ पे भी डिफरेंसेस देखोगे, सो लगभग कितना 428 करोड़ के आसपास आ रहा है। सो यहाँ पे भी कंपनी के जो एक्सपेंसेस है यहाँ पे क्या कम देखने को मिल रहे हैं। अब बात करते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट की। कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर आप देखोगे, सो यहाँ पे दिया, यहाँ पे 206 करोड़ के आसपास कंपनी को लॉस हुआ है। एंड वही अगर आप देखोगे ना, सो यहाँ पे कितना 215 करोड़ के आसपास कंपनी को लॉस हुआ था। कंपनी के लॉसेस अगर आप यहाँ पे कंपेयर करते हो ना, सो लॉसेस यहाँ पे कंपनी के लगभग क्या है, थोड़े बहुत क्या क्वार्टरली वाइज रिकवर होने को देखने को मिल रहे है। वही अगर आप जून का क्वार्टर भी देखोगे ना 2023 का, सो तो यहाँ पे भी क्या है, कंपनी के जो नंबर्स के जो लॉसेस हैं ना, वो हमको क्या रिकवर होते देखने को मिल रहे हैं। सो इसको अगर आप पॉजिटिव ट्रेंड के हिसाब से लेते हो, सो लॉसेस यहाँ पे रिकवर हो भी रहे हैं। लॉसेस लगे कंपनी का जो रिजल्ट है लॉस में, बट कंपनी का लॉस धीरे धीरे क्या रिकवर करिए। सो मुझे यहाँ पे एक पॉजिटिव साइन है कंपनी में क्या देखने को मिला है। बाकी का कंपनी का अगर आप ईपीएस भी देखो, सो ईपीएस थोड़ा थोड़ा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, ईपीएस में थोड़ा इंप्रूवमेंट आ रहा है, बट ईपीएस भी ऑल टाइम यहाँ पे देखोगे तो नेगेटिव में ही दिया हुआ है। सो आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना रहेगा सो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सो ये था आलोक इंडस्ट्री क्वार्टर वन का रिजल्ट। सो आई थिंक आपके जो डाउट क्लियर हो गए हैं। सो गाइस, लाइक जरूर कीजिएगा, साथ में चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।